हेलो गाइस, आई एम दिलीप विश्वास। वेलकम टू टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सब एक्सेल में लाए हैं एक छोटा सा एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स लाए हैं एक बार देखिए। मैं एक्सेल शीट तो पहले से ओपन करके रखा हूँ, अभी एक्सेल शीट में देखिए काउंट करना है, काउंट ऑफ एम्प्लॉई को हिसाब करना है, ठीक है ना। बट कैसे हिसाब करना है, क्राइटेरिया देखिए। क्राइटेरिया आर से, मानिए मेरा कितना एम्प्लॉई है, जो सब एम्प्लॉई का नाम आर से शुरू, इम्प्लॉय कितना है अभी दिख रहा है, दिखा रहा है 14 है ना। अभी इसमें मानिए एस से इम्प्लॉय देखना है, एस से जब आप एंटर करोगे देखिए अभी कितना इम्प्लॉय है, 4 इम्प्लॉय दिखा रहा है, ठीक है। उसका बाद मानिए मुझे ए से कितना इम्प्लॉय है देखना है, तो कितना है 8 इम्प्लॉय। तो अभी हम सब कैसे हिसाब कर रहे हैं, क्राइटेरिया ए एस मतलब जो स्टार्टिंग नंबर जो शुरू होता है बिगिनिंग विथ, उसी से हम सब हिसाब कर रहे हैं, है ना। जो सब बंदा आर से है उसका हिसाब कर रहे हैं, जो सब बंदा ए नाम से शुरू है उस सब बंदा को हिसाब कर रहे हैं। तो कोई सा भी यहाँ पर हम सब लेटर लिख रहे हैं फास्ट लेटर, उसी से हम हिसाब कर रहे हैं। बट एक कैसे संभव हो रहा है, काउंटिप तो पता ही है आप लोग का, काउंटिप मतलब हिसाब करना। बट अभी तो काउंटिप से क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया यहाँ पर तो पूरा नाम लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्राइटेरिया ए बी सी ऐसे कोई फास्ट लेटर दे रहा हूँ फिर भी हिसाब कर रहा है। ए मैं कैसे किया हूँ, आज का टॉपिक यही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सब फटाफट क्लियर करते हैं। देखिए इसको कैसे क्लियर करना है, तो हम आप सबको पता ही होगा काउंट इफ कैसे देते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ लगाते हैं, ठीक है। काउंट इफ लगा दिया हूँ टैब। काउंट इफ में क्या बोलते हैं, रेंज मतलब कहाँ से आपको हिसाब करना है, रेंज मतलब पूरा डेटा। अभी जिसका वो क्वेश्चन किया है मुझे एम्प्लॉय का नाम हिसाब करना है, तो एम्प्लॉय नाम यहाँ पर दिया हुआ, इसका पूरा डेटा सिलेक्शन करना है कॉमा यहाँ पर, ठीक है। अभी क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया आप कैसे मैच कराओगे ना, दिक्कत तो यहाँ पर ही हो रहा है क्राइटेरिया में, क्योंकि क्राइटेरिया तो यहाँ पर एक एक बंदा का एक एक टाइप का नाम है। अभी मुझे बोला है ए नाम का कितना बंदा है उसका हिसाब चाहिए, आर नाम का कितना बंदा है उसका हिसाब चाहिए। अभी डबल कोटेशन में अभी यहाँ पर क्या करोगे, ए लिख दोगे, ठीक है। देखिए डबल कोटेशन में हम सब ए लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार करते हैं, थोड़ा एरो दिखा रहा है, तो ऐसे हो नहीं रहा है डबल कोटेशन में, फिर भी एक बार ए कर लेता हूँ। देखिए डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद, अभी हम सब एंटर करते हैं। जब भी एंटर किए हैं तो देखिए जीरो आ रहा है, जीरो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ए नाम का कोई बंदा है ही नहीं, ए नाम का बंदा है मतलब ए नाम ऐसा कोई ए बोल के तो कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। ए नाम का हो सकता है आकाश है अमन है, बट पूरा नाम है ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो ये जो कंडीशन लगा है तो गलत लगा है, ऐसे हिसाब कर नहीं पाएगा, ठीक है। बट हम सब कैसे हिसाब करना है थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर कीजिए। तो इसके लिए ना एक बार देखिए अभी क्या सीखना है, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मीन्स होता है जो एस्टिक को हम सब बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। ये यहाँ पर जो शिफ्ट करके देखिएगा आठ का ऊपर है, ठीक है ना, ये जो एस्टिक है ना इसी को हम सब बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। इसी का हेल्प लेना है काउंट इफ में, तभी आप ये सक्सेसफुली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, ए है वाइल्ड कार्ड, ओके। देखिए अब इसका कैसे हेल्प लेना है, फिर से F2 करके फॉर्मूला ओपन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम सबको जो सेल्स रेफरेंस दे रहे हैं ना, ए वाला सेल्स रेफरेंस क्या है, ये देखिए J4 है, ठीक है, J4 हम सब देख रहे हैं, नहीं तो एक बार आप सब ऐसे भी जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेल्स रेफरेंस क्या है, J4, ठीक है। तो अभी देखिए इसको कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। अभी यहाँ पर क्या करना है, J4 कर दिया, J4 कर दिया हूँ, J4, ठीक है। J4 का बन, J4 मतलब यहाँ पर जो सेल दे रहे हैं उसका बाद क्या करना है, एस्टिक कर देना है, एस्टिक। अभी एस्टिक जब करोगे ना, अभी जब एंटर करोगे देखिए फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी ये एस्टिक का कैसे काम में लगाएंगे, एस्टिक का मतलब क्या, यहाँ पर जो भी लिखेंगे इसका जो राइट साइड है राइट साइड का सब इग्नोर कर देता है, अभी सामने लगाओगे तो सामने वाला जो लेटर है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है ना, रिमूव कर देता है। तो एस्टिक का काम है, बट एस्टिक हमसे ऐसे लगा नहीं पा रहा, लगाए बट काम नहीं हो रहा है। इसको कैसे जोड़ना है, ये सेल का साथ ये जो एस्टिक है इसको कैसे आप जोड़ोगे, ठीक है, ज्वाइन कैसे करोगे, इसके लिए एक एंड सिंबल है, एम्परसन, देखिए इसको भी दिखा देता हूँ। एंड सिंबल इसका क्या काम है, इसका काम है जोड़ना। देखिए इसको भी थोड़ा सा हल्का सा क्लियर कर लीजिए, इसको भी थोड़ा सा कोई सा भी सेल को जोड़ सकता है। देखिए इज इक्वल टू मानिए मुझे अकाउंट्स
उसका बाद एंड कर दिए, एम पर्सन कर दिए, उसका पटना कर दिए, एंटर जब कीजिएगा ना देखिए दोनों जोड़ दिया, अकाउंट सर पटना आ चुका है। तो ये जी एम पर्सन का काम है जोड़ना, ठीक है। इसका सर हम सब इसी का हेल्प लेना है। अभी वाइल्ड कार्ड तो जोड़ना है, वाइल्ड कार्ड अभी कैसे जोड़ना है वो भी तो देखना है। ये जो सेल्स रेफरेंस, सेल्स रेफरेंस में क्या करोगे, एंड कर देना एंड, ठीक है। और ये जो है ना इसको हटा दीजिए, इसका इनवाइट डबल कोटेशन का काम नहीं है, अभी डबल कोटेशन का काम नहीं है। डबल कोटेशन काम कहाँ पर लगेगा, ये जो एस्टिक लिखा है ना, एस्टिक को डबल कोटेशन में डाल दीजिए, क्योंकि एस्टिक भी एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर जब भी होता है हम सबको पता है, कैरेक्टर को हम सब क्या करते हैं, डबल कोटेशन में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सब डबल कोटेशन डाल दिए, ठीक है। अभी देखिए कैसे जोड़े, अभी जब एंटर करोगे, अभी जब एंटर करोगे देखिए आंसर आ चुका है, ए बंदा कितना है, आंसर दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम सब एस्टिक लगा के हम सब जोड़ सकते हैं। एस्टिक को कैसे जोड़े, एंड सिंबल लगा के। तो एस्टिक का काम क्या है, जो जे फोर है ना, जे फोर का बाद जो मैंने जे फोर जो सेल यहाँ पर सिलेक्शन कर लिए, माने ये जो ए है ए का बार सब इग्नोर कर देता है, तो उसी का साथ इसको मैच कराता है, ठीक है ना। तो हम सब वाइल्ड कट का यूज करके हम सब यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, जो सब बंदा आर से शुरू कितना बंदा है, ए से शुरू कितना बंदा। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते, ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं, आर से कितना दिखा रहा है, 14 दिखा रहा है। अभी सही से दिया है क्या, ए भी थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। कैसे करोगे, एक बार फिल्टर लगा दीजिए, फिल्टर का शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग चुका है। अभी कहाँ पर मुझे हिसाब करना है, हिसाब देखना है एम्प्लॉय नेम में, तो यहाँ पर ऑल्ट करके डाउन एरो की कीजिए, फिल्टर ओपन हो जाएगा। अभी फिल्टर में देखिए कहाँ पर जाना है, टेक्स्ट फिल्टर, इसमें जाओगे, इसमें जाके बिगिनिंग विथ, वही है ना बिगिनिंग, कौन सा लेटर से शुरू, तो हम सब वही किए थे फर्स्ट लेटर क्या से शुरू, आर से, ए से, तो बिगिनिंग विथ को ले लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर कर दिए आर, जब भी आर करोगे ना सब आर वाला फिल्टर लग चुका है, मतलब यहाँ पर जितना इम्प्लॉय देख रहे हो ना सब आर से ही नाम है। एक बार इसको थोड़ा सिलेक्शन करके देख लीजिए स्टेटस बार में कितना हिसाब दिखा रहा है, देखिए स्टेटस बार में क्या दिखा रहा है, 14 आर इम्प्लॉय है, तो मेरा आंसर वही आया था 14 आर। तो ऐसे ही हम सब काउंटिप में क्या कर सकते, वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते, ये वाइल्ड कार्ड बहुत काम का फंक्शन है, ठीक है ना, नहीं तो ये संभव ही नहीं है हिसाब करना। हम सबको क्राइटेरिया पता है, क्राइटेरिया जब मैच होता है तभी हिसाब होता है। अभी तो यहाँ पर क्राइटेरिया हम सब अलग सा डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया डाल दिया है, फिर भी हिसाब हो रहा है, तो क्लियर हो गया। तो वाइल्ड कार्ड का क्या कमाल का काम है, तो हम सब ऐसे वीडियो ऐसे हम सब ये सब ट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड बहुत सारा ऐसा नहीं है, ये काउंटिप में आप लगा सकते हो, सामिप लगाइए, काउंटिप लगाइए, भी लुकअप लगाइए, कुछ भी फंक्शन में हम सब वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। जब भी क्राइटेरिया जब भी डिफाइंड करना है तो तभी ये सब दिमाग लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं ओपन करके दिया हूँ, तो आशा करते हैं गाइस वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करते हैं काउंटिप में आप सबको क्लियर हो चुका है। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। ओके गाइस बाय।